निकलो क्यों निकलो। तो मिस्टर जा रहे हैं घाट पे। मेरी क्या हालत हो गई है, चप्पल टूट गई इस महीने से और इसमें कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, रात के टाइम हम लोग अमृतसर से लौट के सीधा हम लोग अमन के हॉस्टल में आ गए थे। और ये है अमन का एकदम छोटू सा रूम जहाँ अभी उसको निकाले हैं। इस रूम में 3 साल उसके रूम में 2 बेड डले हुए हैं और अलमेरा है और ये बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। उसका सामान शिफ्ट करते हैं हम यहाँ पे। अमन का कर दिया फुल बंदोबस्त, ये देखो गद्दा तकिया, मम्मी लेके आ रही है बाल्टी। अमन का हो गया पूरा बंदोबस्त रहने का हॉस्टल में, और उसका रूम शिफ्ट करके आ गए हैं हम लोग। जो भी छोटी मोटी और चीज़ें थी सारा सामान लेके उसके रूम में शिफ्ट करके और अभी हम लोग आ गए हैं होटल में खाना खाने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने चाय ऑर्डर की, चाय ठीक थी, मतलब ठीक ठाक थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पराठा ऑर्डर किया क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, सुबह का टाइम हो रहा था। सो यहाँ पे ज़्यादा ठीक मतलब आलू पराठा ही लगा था, वही हम लोगों ने ऑर्डर किया एंड वो खा के अभी हम लोग चलते हैं अब घर के लिए। बाबू घास से नहीं जाओ बेटा, इन्फेक्ट होंगे उसके अंदर। तो ये है अमन का कॉलेज NIT। सो अभी हम लोग आए हुए हैं ब्रेकफास्ट करके, अब जाएंगे हम घर के लिए निकलेंगे। तो अमन अब यहाँ रुकेगा एंड अब हम घर निकलेंगे। मैं निकलना। क्यों? मैं निकलना। क्यों निकलना? आप पूछी दे दो मामू को का डाले मामू नहीं रहेंगे। दादा तू बड़े काम करो, बाय। ठीक है, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है जब पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ते हैं। तो मम्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, पापा भी हो गए थे बट मम्मी तो रोने ही लग गई थी। सो यहाँ पे रुदांश भी थोड़ा सा सैड हो रहा था कि मामू यहाँ क्यों रुक गए, मामू भी साथ में चलेंगे। गन्ने का मस्त गर्मा गर्म जूस पियेंगे हम बिना बर्फ वाला। अरे वो धुआं भाप है, ठंडा करते हैं ना पानी, ये पावर प्लांट है। अभी हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र में हम देखेंगे जो यहाँ पे युद्ध हुआ था ना वो वाली जगह देखेंगे एंड भूख लगाई है बहुत तेज वाली, वहाँ से निकले हैं एंड रास्ते में हम लोग कहीं नहीं रुके थे जलंधर से निकलने के बाद। और अभी भूख लगाई तो हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं अपने छोले कुलचे। तो मिस्टर जा रहे हैं घाट पे पानी को छूने के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं, ये कौन सा है, ब्रह्म सरोवर। हाँ, ब्रह्म सरोवर घाट पे पहुंचे हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा घाट है, कम से कम 4 किलोमीटर का। ये मेरी क्या हालत हो गई है, चप्पल टूट गई है इस महीने से और इसमें कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। चप्पल का बस आगे कर लेती हूँ एंड उसके बाद चलते हैं आगे क्योंकि पापा देखो कहाँ पहुँच गए। दूर तो फिर यहाँ पापा देखो कहाँ पहुँच गए। हाँ, हम पीछे रह गए। चल जल्दी चलते हैं। तो मैं ना इतने दूर से 1 किलोमीटर से पैदल चल के आ रही हूँ, मेरे पैर एकदम ना जल चुके हैं क्योंकि तेज धूप इतनी ना तेज है, बहुत गर्म लग रहा है। बस छाँव में चला गया घास में। स्वान बेटा पास नहीं जाना, चुना चलो चल 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 गर्म है। देखेंगे सामने, चलते हैं सामने से देखेंगे, है ना।
ये देखो इतना बड़ा रथ। ये जो मंदिर है ना, ये हनुमान जी, ये भी प्राचीन मंदिर ही है। गर्मी से बुरा हाल। कूप मीन्स क्या होता है? कुआ। कुआ था जिसको बंद कर दिया है ना। अरे ये है ना, ये छोटा सा कुआ बंद कर दिया इसको। दीवार है ना, ये पुरानी ही है छोटे होने का। वो टांग टांग के उसको घुमाना पड़ता है। पत्थर की इतनी बड़ी घंटी है ना। एंड ये शंख और ये कछुआ है वो धनुष बाण। खुशबू लो जल्दी से। चलो ये जो सामने में ब्रिज है ना, ये आधा ब्रिज रह गया, आधा ब्रिज ये इस साइड गिर गया है। ये देखो टूट गया है। पहुंच गए हम मूरथल और यहाँ आके सबसे पहले मैंने मेरे लिए सैंडल्स खरीदी, क्योंकि मेरी सैंडल्स टूट गई थी। पूरा रास्ता बिना सैंडल्स के आई हूँ मैं। और यहाँ आके हम लोग अंदर आ गए हैं। फिर हम लोगों ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया, मतलब रात का टाइम हो गया था काफ़ी, और हम लोगों ने सोचा डिनर यहीं पे करके जाते हैं। यहाँ से निकल रहे थे, सोचा यहीं करके जाते हैं। और मम्मी पापा के लिए हमने थाली ऑर्डर की थी और हम लोगों ने पराठे मंगाए हुए थे। सो रुद्रांश को यहाँ पर गुलाब जामुन खाना था नानी नानी की थाली में से। सो वो गुलाब जामुन को उसने इन्जॉय किया, हमने पराठे खाए। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, हम वेट कर रहे हैं हमारी चाय आने के लिए। इनको भी नहीं है चाय। खाना हो गया हमारा। स्पेशल केसर चाय, केसर का एक धागा डला हुआ है। डिनर हमारा हो गया है, मूरथल आए हुए थे एंड अब चलते हैं। मम्मी को ना आइसक्रीम वाला जो खेल है ना, वो बहुत पसंद आ रहा है। अरे तो मम्मी बाबा खन फिर से मसाज आ रही है। इसको देखो, इसको अकेले ही लगा है, मस्त एंजॉय कर रहा है। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग सुबह से निकले हुए हैं और रात हो गई थी। यहाँ से निकलते हैं, घर पहुँचते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर नहीं होना चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।